हम लोग बात करने वाले इजी माई ट्रिप के ऊपर। लगभग 1.5% की गिरावट आ गई अचानक से, जबकि इस स्टॉक को लेकर कुछ पॉजिटिव खबर आई है। पॉजिटिव खबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो 14 तारीख आज की खबर है, 14 अक्टूबर 2024 कंपनी ने बोनस के ऊपर बोर्ड मीटिंग थी और फाइनल आउटकम निकल के आ गया। कंपनी ने जो है 1:1 के रेशियो में बोनस अनाउंस किया है, ठीक है। उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट हुई, इसका मतलब मार्केट ने कुछ और उम्मीद ही की थी और ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी कलेक्ट है। अभी कुछ नेगेटिव खबरें आई थी बीच में जिसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई। 6000 करोड़ की कंपनी है, 30 की पीपल स्टॉक वैल्यू सही है भाई, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, रिजर्व है, एसेट है, सब कुछ है। आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है, प्रमोटर के पास 64% का स्टेक है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 43%। एक बार सेल पैटर्न क्लियर देखो, प्रमोटर स्टेक यहाँ पर 64% दिख रहा है। अभी सितंबर का डाटा अपडेट होना है, यहाँ पर प्रमोटर स्टेक कम है, FI का स्टेक कम हुआ था। अभी सितंबर का डाटा आना है, सितंबर के डाटा और Q2 के नंबर बस जल्दी आने वाले हैं, जैसे जैसे आएंगे वो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। अभी इस स्टॉक के अंदर इस लेवल पे मैं बेचने के लिए तो नहीं बोलूँगा भाई, यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनी के सेल्स कंसोलिडेट है, प्रॉफिट भी कंसोलिडेट है, इसीलिए आप देखो स्टॉक भी हमें रुलाता हुआ दिख रहा है और ये नो डाउट रुला भी सकता है आगे भी इसी प्रकार कंटिन्यू। तो अगर आपके पास है मेरे ख्याल से अभी आप होल्ड कर लो, बोनस अनाउंस किया है तो स्टॉक में आगे अगर नंबर भी अच्छे दे देती है तो स्टॉक में जंप देखने को मिलेगा, और जिस प्रकार बोनस अनाउंस किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर्स में कमी है कंपनी के, ठीक है ना। तो फ्रेश एंट्री वगैरह आप अवॉइड करो, अगर है तो होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो वो बात अलग है क्योंकि कंपनी के अंदर दम है, ठीक है। फाइनेंशियल कंसोलिडेट है, कोई ग्रोथ नहीं है, जब फाइनेंशियल में ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक में भी ग्रोथ नहीं हो सकती। और भाई टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने तो सीखो, कोर्स की लिंक तो बहुत ज़रूरी है, सीख लो कोर्स।